हाँ बेटा सर ये एक मिनट रुक सकते हैं, मेरा नेट वो है सर, बस एक मिनट दे दो सर। हाँ बिल्कुल। यस सर, हो गया सर। अच्छा ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आज हमें, इनफैक्ट नॉट एग्जैक्टली द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमें यहां से रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। एक्चुअल में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव मोशन क्या है? लाइक वी हैव डिफरेंट व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। कुछ हो सकता है ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो वेस्ट टू ईस्ट जाने वाले भी बहुत सारे व्हीकल्स होंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर द व्हीकल्स विच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज वेल एज द व्हीकल्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम सबका जो मोशन है वो कैसा है? रिलेटिव है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये समझाती है, या द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हमें ये समझाता है कि हम किस तरह से एक गिवन टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे बाय ग्राफ्स। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए ग्राफ्स आना बड़ा जरूरी है। यार आज भी अटेंडेंस इतनी कम है, आज भी 5 लोग अभी अवेलेबल नहीं है, इवन कुछ लोग एंटर हुए और उसके बाद फिर से लीव कर गए। ठीक है, आप लोगों की साइड पर ये कुछ ज्यादा लाइट का और इसका इश्यू ज्यादा रहता है क्या? नो सर, यहाँ पर ठीक ही रहता है। ओके चलो ठीक, कोई नहीं। अच्छा आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं 3 ग्राफ्स यहां पर बनाऊंगा बेटा। ए बी, ये हमारा एक्स है, ये टी पोजीशन टाइम ग्राफ्स। एक और ग्राफ देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ बी बनाए अगर, तो एक ये होगा और एक ये होगा, ए बी। थर्ड ग्राफ, ए बी पोजीशन ओरिजिन ओरिजिन। ओके तो हमने ये 3 ग्राफ यहां पर प्लॉट करे। सबसे पहले बेटा आप इस वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करो, बोथ ए एंड बी सीम्स टू बी मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। यस सर, अगर ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रहे हैं तो ए का स्लोप क्या है? लेट्स से कि थीटा 1, तो बी का स्लोप मुझे यहां पर मिल रहा होगा कुछ थीटा 2, यानी थीटा 1 इस केस में बराबर है थीटा 2 के। यस सर, यस सर। अब क्योंकि थीटा 1 बराबर है थीटा 2 के, तो इसका मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ ए इक्वल है स्लोप ऑफ बी के, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जब हम निकालते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। इट मींस वेलोसिटी ऑफ ए is equal to velocity of b. yes sir, yes sir, itni baat to sabhi ko clear hai? yes sir, sana aur sanskriti beta clear hai ye baat? yes sir, yes sir. kunal, daksh? yes sir. okay shaurya, aap thoda sa late ho gaye beta, to humne abhi start kiya isko relative velocity, aur ye 3 graph bane hain and we are explaining the first graph only. theek hai? okay sir.
तो फर्स्ट ग्राफ में हमने ये बात की कि देर आर टू बॉडीज जिनका कि पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो, वेयर ए एंड बी सीम्स टू बी मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका मतलब दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे, थीटा वन और थीटा टू इक्वल है, तो स्लोप ए स्लोप बी के बराबर होगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है? यस सर। तो अगर मैं इसमें रिलेटिविस्टिक अप्रोच यूज करूं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं अगर लिखना चाहूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके इक्वल होगा, वी ए माइनस वी बी, तो आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है? तो हम कह सकते हैं that these two bodies are moving with zero relative velocity. अब एक बात कि zero relative velocity का concept क्या है? अच्छे काम करें, एक scenario लेते हैं, जिस scenario में let's say कि on a long highway दूर दूर तक कुछ नहीं है, ठीक है, और two cars are moving on the same level road in the same direction with the same velocity. तो जब आप move कर रहे हो तो साथ वाली कार में और आप जो बैठे हुए हो, you will be able to interact with each other. Yes sir. आप अगर एक चीज दूसरे को pass on करना चाहें तो आप कर पाएंगे? हाँ जी सर, आराम से. क्यों? क्योंकि पहली के respect में दूसरी बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, देयर इज जीरो एक्सेलरेशन. इट मींस कि दोनों की दोनों बॉडीज सेम स्ट्रेट लाइन पे सेम डायरेक्शन में इकट्ठा मूव करती रहेंगी. इट मींस बोथ कंपार्टमेंट्स आर सीम्स टू बी एट रेस्ट विद ईच अदर. यस सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात. यस सर, हां जी सर, सही है, सही है, सही है सर, सही है. This is called zero relative velocity. ठीक है? और जब भी कभी हम relation find out करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं that by what amount A is moving faster than B और by what amount B was moving faster than A. ठीक है? अच्छी सर. नहीं भाई, देखो ये repeat कर दोगे? हाँ बेटा. जब हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो रिलेशन हम हमेशा इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व वेदर ए इज मूविंग फास्टर देन बी, एंड इफ यस देन व्हाट, देन बाय व्हाट अमाउंट. तो वो व्हाट अमाउंट निकालने के लिए आई हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द वेलोसिटीज, है ना? यस, दैट इज व्हाई मैंने इसको लिखा बी ए माइनस बी बी. ओके सर, यस. तो ये क्या था जब मैंने लिखा बी ए बी, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. यही मैं आगे बेटा लिखता वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको ऐसा लिख पाते बी बी ए, तो हम क्या करते बी माइनस ए, स्टिल इट इज जीरो. यस सर. हाँ जी सर. चलो अब आ जाते हैं ग्राफ नंबर टू पे. नाउ लुक एट द ग्राफ नंबर टू. दिस इज थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू. क्लियरली थीटा वन इज लेस देन थीटा टू. हाँ जी सर. यस सर. यानी स्लोप ऑफ ए छोटा है स्लोप ऑफ बी से. यस सर. यस सर. यानी वेलोसिटी ऑफ ए छोटी है वेलोसिटी ऑफ बी से. हाँ जी सर. यस सर. यानी अगर मैं लिखूं वी ए माइनस वी बी, तो दिस विल बी माइनस ऑफ वी ए बी. यस सर. यानी velocity of A with respect to B will be a negative quantity in this case. हाँ जी सर. और बेटा अगर मैं इसको लिखूं
vb minus va, then this will be vba and will be a positive quantity. हाँ जी सर. हाँ जी सर. ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? यस सर. यानी हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. मैं ए की वेलोसिटी देखना चाह रहा हूँ बी के रिस्पेक्ट में. नाउ द ग्राफ इज शोइंग दैट ए इज मूविंग विद लेसर वेलोसिटी एज कंपेयर्ड टू बी. तो बी की वेलोसिटी ज्यादा है. सो व्हेनेवर आई ट्राई टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, देन इट इज क्लियरली सीन that A is moving with lesser velocity, so therefore the difference VA minus VB is a negative quantity. And whenever we take the difference as VB minus VA, then it will be a positive quantity. मतलब ये कि पहले केस में जब वो नेगेटिव आ रहा है तो हमने रेफरेंस किसको माना? A को माना. A के रिस्पेक्ट में मैं B को देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता B तेज चल रहा है ना? Yes sir. और दूसरे केस के अंदर हमने B को मान लिया, उसमें A को देखना चाह रहा हूँ, तो A कैसे मूव कर रहा है? स्लो मूव कर रहा है. Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये बात सबको समझ में आ गई है? कुणाल, लक्ष्य? Yes, sir. Yes, sir. सना, संस्कृति? Yes, sir. चौर्य? Yes, sir. ठीक है. अथर्व? Yes, sir. आज आप इतना लेट क्यों हो बेटा? सर एक्चुअली पीसी स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मैं अभी फोन से ही ले रहा हूँ सर क्लास. अच्छा चलो ठीक है. इनिशियल पार्ट में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है अभी, ठीक है? तो जब आप वीडियो देखोगे तो देन इट विल बी क्लियर टू यू, और ना समझ में आए तो देन कॉल मी, ठीक है? ओके सर. ओके अच्छा चलो, तो ये सेकेंड पार्ट भी क्लियर है. व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग अ लॉट ऑन this particular topic, because जब आपके पास kinematics के questions आते हैं बेटा, तो kinematics के questions में बच्चों से सबसे ज्यादा गलती interpretation में होती है, और वो interpretation होती है language को interpret करना. और जब आप language को ठीक से interpret नहीं करते हो तो relative velocity के questions are seems to be, or they are generally thought to be the toughest ones, ठीक है, in your kinematics. So, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से समझना है. दैट इज वाई मैं इसको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ. अदरवाइज बहुत सब टीचर्स कैसे बताते हैं वो इसके बाद बताऊंगा, ठीक है? तो उसमें ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन ग्राफ अगर हमारे दिमाग में हो और हम क्यों किसी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव लिख रहे हैं, तो वो जब लैंग्वेज आप इंटरप्रेट करोगे और इसके साथ रिलेट कर पाओगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ बेटा थर्ड ग्राफ के ऊपर. अब यहां आप देख पा रहे हो बहुत क्लियरली दैट दिस इज योर थीटा वन एंड दिस इज योर थीटा टू. थीटा वन बड़ा है थीटा टू से. अच्छा छोड़ो, इस पे बात करने से पहले वापस यहीं आ जाओ और इस पे आ जाओ. ये दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो कंक्लूजन क्या डिराइव हुआ? कंक्लूजन ये डिराइव हुआ that they will never overtake each other, है ना? Yes sir. क्योंकि दोनों कैसे मूव कर रही हैं? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो ये एक दूसरे को कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएंगी. इसके साथ क्या केस है? सर ओवरटेक नहीं होएगा, सर ओवरटेक नहीं होएगा. देखो सुनो, इसके साथ पहला केस तो सुनो इसके साथ पहला केस तो ये था दे विल नेवर ओवरटेक ईच अदर. दूसरा पॉइंट क्या था इसके साथ? दूसरा पॉइंट ये है डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है? ओके सर. अब यहां देखो, पहला डिस्टेंस बिटवीन देम कीप ऑन इंक्रीजिंग. एक कंक्लूजन तो ये डिराइव हो गया यहां से. यस सर. तो बढ़ेगा. यस सर. यस सर. दूसरा कंक्लूजन आप क्या डिराइव कर सकते हो? दे विल
also never overtake each other. देखो, B की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, कहने का मतलब एक कार ये है A और एक कार ये है B. कार A इधर जा रही है विद वेलोसिटी B, कार B इधर जा रही है विद वेलोसिटी B भी, प्रोवाइडेड B भी बड़ा है V A से. तो सोचो A will never be able to catch up with B. Yes, sir. क्योंकि कर ही नहीं पाएगा, इट मींस के दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा और yes, sir. दोनों कभी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेंगी. No, sir. बात है? No. अब yes, sir. देखो, यहां पर दे विल नेवर ओवरटेक ईच अदर, दे विल नेवर ओवरटेक ईच अदर. ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो दोनों के अंदर सेम आ रहा है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा. तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंक्लूजंस डिराइव करना भी बड़ा जरूरी है. ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पे. तो तीसरे वाले पार्ट में क्या है, तीसरा ये कहता है कि थीटा वन बड़ा है थीटा टू से. इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बड़ा है स्लोप ऑफ बी से, यानी वेलोसिटी ऑफ ए बड़ा है वेलोसिटी ऑफ बी से. यस सर. यानी ए को ऑब्जर्व करूं बी के रिस्पेक्ट में तो वी ए बी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. यस सर. यस सर. सिमिलरली अगर मैं वी बी माइनस वी ए करूं, यानी मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देन दिस विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी. यस सर. है ना. यस सर. अब इसको समझना कैसे है कि रिस्पेक्ट में क्या. अब सोचो ए तेज मूव कर रहा है बी से, यानी बी स्लो मूव कर रहा है ऑन अ सिंगल लेवल रोड इन द सेम डायरेक्शन. तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ ए बड़ा है वेलोसिटी ऑफ बी से, तो मैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देख रहा हूं. ठीक है, बुक्स में ये नोटेशंस उल्टे भी लिखे हुए होते हैं. ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो वी बी ए के लिए लिखा होगा, इट डिपेंड्स क्या आप रेफरेंस किसको मान रहे हो. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर कि सर ने ऐसे लिखवाया था, बुक ने ऐसे लिखा है. आपने किस पे जाना है, लैंग्वेज पे. यस सर. ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशंस मे बी अपोजिट बट आपका आंसर सही होना चाहिए. ठीक बात है. यस सर. ठीक से इंटरप्रेट करना. दूसरी बात, अगर ये वी बी और वी ए बी नहीं समझ में आता है तो वहां पूरी लाइन लिख दो, जैसे मैंने यहां पर लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए ही देखे बी के रिस्पेक्ट में, तो ए तो तेज चल रहा है बी के रिस्पेक्ट में. अब ए क्योंकि तेज चल रहा है तो ऑब्वियसली दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा. यस सर. ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो. तो ये बात यहां से क्लियर हो गई. अब कॉन्क्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, कॉन्क्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे. जो इनिशियल पार्ट है ओ ए, सॉरी ए नहीं लगाते, ओ एम एन, दिस पार्ट ओ एम एन वाले पार्ट के अंदर पहला डिस्टेंस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, दूसरा दे विल ओवरटेक या आप देविल ना लिखें, आप ऐसा लिखें ए विल ओवरटेक बी एट एम, सॉरी एन, है ना, इस पॉइंट एन पे जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पर वो ओवरटेक कर जाएगा ना. यस सर. अब दूसरे वाला पार्ट आ गया एन ए बी वाला. एन ए बी में क्या होगा, एन ए बी में इस पार्ट में इसके बाद आफ्टर ओवरटेकिंग डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और दूसरा उसके बाद बी
will never overtake A. ठीक बात है? Yes sir. Yes. क्योंकि B तो सोच ही रहा था ना. Yes sir. अथर्व क्लियर हुई बेटा ये वाली बात? कुणाल क्लियर है? लक्ष्य? यस सर. सना? यस सर. संस्कृति? यस सर. शौर्य? यस सर. अनुभव क्लियर है? जी सर. लक्ष्य? यस सर. ठीक है बेटा. तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. एक तो रिलेटिव वेलोसिटी जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक था. लेकिन जनरली इस टॉपिक को कैसे खत्म करवाया जाता है, ठीक है, वो भी समझो. एक छोटी सी बात जनरली बताई जाती है रिलेटिव वेलोसिटी को लेके, और वो ये कहा जाता है कि अगर बेटा दो, लेट्स से कि दो कार्स हैं, दिस इज कार ए, दिस इज कार बी, ठीक है. अगर कार ए इस तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी बी ए, और कार बी भी इस तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी बी बी, ठीक है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ बेटा बोलो. अग्री कर रहा था. अगर कार ए मूव कर रही है विद वेलोसिटी बी ए इन दिस डायरेक्शन, एंड कार बी मूव कर रही है विद वेलोसिटी बी बी आल्सो इन द सेम डायरेक्शन विद बी ए, तो वो कहते हैं कि बेटा कुछ मत करो, दोनों की वेलोसिटी को माइनस कर दो, ठीक है. तो वी ए बी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. बस ये देख लो वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है. जनरली इतनी बात बताई जाती है. दूसरा सर, फिर वो डिपेंड करते किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो फिर हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें? तो वही ना, मान लो बी की ज्यादा है, ठीक है. अब जो मैंने ये लिखा बी ए माइनस बी बी, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए की ज्यादा है. यस सर. तो यही अगर मैं लिखता बी ए बी और वहां लिखा हुआ है बी बी माइनस बी ए, ठीक है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो फिर मुझे मानना पड़ेगा कि बीबी की ज्यादा है, अदरवाइज फिर नेगेटिव क्वांटिटी लिखा होना चाहिए. हाँ जी सर. तो वो कहते हैं इन द सेम डायरेक्शन टेक द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. टेक द सम ऑफ वेलोसिटीज. तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो ये कहते हैं velocity of A with respect to B, तो एक तो BA हो ही गया minus में, but this velocity is in opposite direction to BA, then take it as negative value, so this will be VA plus of VB. तो एक important concept यहाँ से हम ये develop करेंगे that on a given number line, ये road है आपका, if a car is moving towards this direction. Let's take it towards the right. Towards the right, सभी कुछ positive होता है, ठीक है? और number line. और दूसरी car move कर रही है towards the left. Towards the left, सभी कुछ negative होता है. तो इसकी velocity अगर V A है और इसकी velocity अगर V B है, तो this will always be minus of V B because of the reference. कि हम reference किस तरफ ले रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो ये जो VB है, this is negative with respect to the reference because it is moving towards the left, है ना? यार आप reference को ध्यान में रखोगे, आपने reference लिया किसको था? सना, ये बात clear हुई बेटा? Yes, sir. संस्कृति? Yes, sir. कुणाल? दक्ष?
यस सर। शौर्य? यस सर। अथर्व, ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। पक्की बात ना? हाँ बेटा बोलो। सर आपने वो जो लास्ट ऊपर बनाया हुआ दोबारा बताना, मैं नीचे का रीड कर रही हूँ। अच्छा देखो, मैंने बोला लेट्स से ऑन अ नंबर लाइन, अगर ये आपका ओरिजिन है ठीक है, तो ओरिजिन से अगर कोई चीज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जा रही है, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द पॉजिटिव मींस टुवर्ड्स द राइट। हम नंबर लाइन बनाते हैं तो राइट साइड पर सारी की सारी वैल्यूज को पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट साइड पर सभी वैल्यूज को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो इफ अ बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन देन टेक इट एज पॉजिटिव, ठीक है, एंड इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, यानी अगर वो राइट पे जा रही है तो पॉजिटिव है और टुवर्ड्स द नेगेटिव आ रही है तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी हम रेफरेंस किसको मानते हैं, पॉजिटिव साइड को रेफरेंस मान लेते हैं अपना, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लिखें जल्दी से एक क्वेश्चन लिखें। लिखो, हाउ लॉन्ग विल अ बॉय सिटिंग नियर द विंडो How long will a boy फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ग्राफ में जैसे आप हमने देखा अगर कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, इवन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए और थर्ड कोऑर्डिनेट जैसे एंटर कर लें ग्राफ का, तो सर एक पॉइंट तो मीट करेंगे, तो सर अभी हम इसको कंसिडर करेंगे कि नहीं? नहीं 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 अभी नहीं कंसिडर कर रहे, अभी आपको जितना बताया सिर्फ उतना ही देखो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन आप ले रहे हो, ये देखो ये यहाँ पर आ गया, अनुभव? यस सर। जो कंडीशन की आप बात कर रहे हो देखो वो यहाँ पर मीट करती है। यस सर। अगर मैं ओरिजिन उठा के आगे ले जाऊँ, यानी अगर मैं ओरिजिन यहाँ नहीं ले, Yes, sir. तो फिर ये पीछे हो गया ना, तो ये बात हम यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके। Yes, sir. Thank you, sir. Okay. अच्छा लिखो, How long will a boy sitting near the window of a train traveling at 54 kilometers per hour? Sir, traveling at 54 kilometers per hour. Yes, sir. See a train passing by in the opposite direction. See a train passing by in the opposite direction with a speed of 36 kilometers per hour. The length of the slow moving train is 100 meters. ठीक है? ओके सर। ये बताओ स्टेटमेंट सबने लिख ली? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया है? यस सर। यस सर थोड़ा बहुत। अच्छा चलो इस थोड़े बहुत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, आपके पास ना दो ट्रेन्स हैं, ठीक, एक ट्रेन ये है
and it is moving in this direction. Ek, with 54 kilometers per hour. Thik? Okay, sir. बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने से वो जो बॉय यहाँ पे बैठा हुआ है विंडो पे, ठीक है, वो एक ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक, और उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन ये है एंड द ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ कितना दिया था 36 किलोमीटर पर और इसकी लेंथ भी दे दी 100 meters, ठीक है. अब 36 इस तरफ है यानी दिस इज वेलोसिटी vb एंड दिस इज वेलोसिटी va. नाउ दिस इज द केस जो कि हमने सबसे लास्ट में डिस्कस करा कि दोनों वेलोसिटीज कैसे मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शंस में. तो सबसे पहले मुझे रिलेटिव वेलोसिटी देखनी होगी. क्यों देखनी पड़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी? ये बॉय जो विंडो में बैठा हुआ है यानी ये जिस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है यानी वो जो कंपार्टमेंट जिसके अंदर ये बैठा हुआ है वो कंपार्टमेंट की जो सराउंडिंग्स हैं अंदर इनर सराउंडिंग्स वो तो रेस्ट पे है बट बाहर वाली जो चीज है वो तो मूवमेंट में है ना. यस सर. अगर उसको ट्रेन ना भी दिखे तो उसको जो सरफेस है वो तो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा. आप गाड़ी में बैठे विंडो के बाहर देखो तो सड़क आपको पीछे जाती हुई दिखती है जबकि गाड़ी एक्चुअल में कहां मूव कर रही है आगे की तरफ. अब हुआ ये कि वो जो ट्रेन सामने से आई उसकी लेंथ 100 मीटर्स है एंड ही विल ऑब्जर्व ईच एंड एवरी मीटर ऑफ दैट ट्रेन. 100 मीटर तो वो ऑब्जर्व करेगा ही करेगा. यस सर. बट कितनी देर तक ऑब्जर्व कर पाएगा? अब आप सोचो मैं अगर आपसे कहूं लेट्स से आपके दो फ्रेंड्स हैं मतलब आप दो फ्रेंड्स हो ठीक है एक दूसरा फ्रेंड आपके घर से 10 किलोमीटर दूर रहता है ठीक है और उसको आपसे कोई एक ऐसी चीज चाहिए या चलो एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं. मान लो कि आप स्कूल में हो ठीक और स्कूल में आपकी टीचर आपसे कहती है बेटा 15 मिनट्स के अंदर या आपसे टीचर ने कहा कि बेटा मुझे होमवर्क चाहिए. आप कहोगे मैम होमवर्क किया तो था होमवर्क तो घर पे रह गया जैसे कि मैं जनरली करता हूँ. तो अच्छा जी होमवर्क घर पे रह गया कोई बात नहीं एक काम करो कैसे स्कूल आते हो कि जी साइकिल से आते हैं कोई कहता मैं बाइक से आता हूँ कोई कहता जी मैं गाड़ी लाया हूँ कोई कहता जी मैं तो स्कूल बस से आता हूँ. ओके जो साइकिल से आता है या जो बाइक लेके आता है या जो गाड़ी से आता है बच्चा मैं उसको सिर्फ इतना कहता हूँ कि बेटा मुझे आधे घंटे के अंदर ना होमवर्क स्कूल में चाहिए कॉपी मंगा ले या मैं परमिशन दिला देता हूँ घर चला जा. अब घर जाने को तो कोई राजी नहीं होता ठीक है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मंगवा देते हैं ठीक है. अब मुझे आधे घंटे में चाहिए तो वो क्या करेगा रिसेप्शन में जाएगा फोन करेगा भाई को फोन कराया फादर को फोन करा कहेंगे जी ठीक है जी लेके आ गए ठीक. या वो ये कहता है सर ठीक है मैं आधे घंटे में ला दूंगा. तो जनरली बच्चे क्या करते हैं घर से किसी को बोलते हैं कि कॉपी लेके आधे रास्ते आ जा भाई इधर से मैच. वो जो टोटल डिस्टेंस था दो लोग अलग अलग वेलोसिटी से जाएंगे तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल हुआ लेकिन मीट कहां कर गए बीच में तो कम टाइम में वो जल्दी वापस आ जाएगा. यही बात अगर वो यहां से घर तक जाता और घर से फिर वापस आता तो उसको 10 किलोमीटर अगर दूर घर था तो 20 किलोमीटर कवर करने पड़ते. अब वो 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आ गया यानी 10 किलोमीटर में वापस आ गया है ना तो टाइम कम लगा ना. यस सर. सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि वो ट्रेन अपने 100 meters भी तो खुद से कवर करने की कोशिश कर रही है ना. यस सर. It is contributing towards the velocity of the original train, जिसमें के वो observer बैठा हुआ है. Yes sir. तो simple सी बात, हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? Relative velocity निकाल लेंगे. So velocity of A with respect to B will be VA minus of minus VB. क्योंकि देखो VA तो इस तरफ है ही positive है. लेकिन VB नेगेटिव है वो इस तरफ आ रहा है तो माइनस ऑफ VB मींस VA प्लस VB ठीक है. यस सर. यस सर. तो ये कितना हो गया 54 प्लस 36 90 किलोमीटर पर आर. यस सर. अब बेटा 90 किलोमीटर पर आर को आप चेंज करोगे सो दिस विल बी 90 into 5/18
5 बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दिस विल बी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? यस सर। तो उसने पूछा था हाउ लॉन्ग सर, सर सर अगर 5 बाय 10 से अगर मीटर पर सेकंड में होएगा अगर किलोमीटर पर आ लगी है, ठीक है? तो उसने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो हमें क्या निकालना था, टाइम। टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस, यानी वो ट्रेन के तो 100 मीटर ही कवर होंगे ना, यस सर, क्योंकि लेंथ है ना ट्रेन की, अपॉन वेलोसिटी कितनी 25, सो आंसर इज 4 सेकंड्स, ठीक है? यस सर, यस सर। तो 4 सेकंड के अंदर वो 100 मीटर की ट्रेन पास हो जाएगी। सर टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड में क्या निकालना हमने? हाँ बेटा, ओके सर, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सर आपने फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे? नहीं लगाया मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ओके सर, सॉरी सर, एक्सेलरेशन तो हमने यूज ही नहीं करा, शब्द ही नहीं यूज करा पूरी क्लास में आज, सॉरी सर, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, सॉरी सर। नहीं यार ऐसे मत कंफ्यूज हो भाई, सर वो बस यूनिट होने गलत सोच रहे, सॉरी सर, ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ ऐसे कंफ्यूज होने से गड़बड़ हो जाएगी बेटा, कंफ्यूज मत हो। अच्छा अगला लिखो, A swimmer's speed in the direction of flow of river is 16 kilometers per hour. Sorry, एक सेकंड रिपीट करना। A swimmer's speed in the direction of flow of river is 16 किलोमीटर्स पर आवर, एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इट इज 8 किलोमीटर्स पर आवर। Calculate the swimmer's speed in still water and the velocity of flow of the river. Sir, निकालना के एक बार फिर से repeat कर देंगे। Calculate the swimmer's speed in still water and the velocity of flow of the river. क्लास टेंथ में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस किए थे बेटा? यस सर, यस सर, मैथ्स में करते थे। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। सर 8 किलोमीटर क्या था? 8 किलोमीटर पर आवर किसके बाद? सर 8 किलोमीटर पर आवर किस चीज की वैल्यू थी? 16 किलोमीटर पर आवर थी बेटा, 16 किलोमीटर पर आवर थी स्विमर की स्पीड थी। यस सर, स्विमर की स्पीड थी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। यस वो 16 था और अगेंस्ट द डायरेक्शन 8 था।
यस सर। अच्छा मिटा दूं यहाँ से, ये वाला पार्ट मिटा दूं। अच्छा देखो, वेलोसिटी ऑफ द रिवर ठीक है, लेट्स से कि वी आर, और एक स्विमर इसमें स्विम कर रहा है विद वेलोसिटी वी एस। तो एक बात बताओ, वी आर भी इसी डायरेक्शन में है, वी एस भी इसी डायरेक्शन में है, तो कौन सा केस हुआ? डाउनस्ट्रीम का केस हुआ। यस सर, यस सर। डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी ऐड होती है। यस सर, यस सर। तो वी एस प्लस वी आर will be equal to 16. Yes, sir. Dusra case. River to isi taraf ja rahi thi, lekin ab swimmer kis taraf ja raha hai? Is taraf ja raha hai. Hai na? Yes, sir. To ye upstream ka case ho gaya. So Vs minus Vr is equal to 8. दोनों को सॉल्व कर लो, तो 2vf इज इक्वल टू 24, vf इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यस सर। vs प्लस सर, vs प्लस vr 16 कैसे हुआ? उसने क्या बोला, अ स्विमर्स स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर इज, देखो जब वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर में, वो उसकी स्विम करने की स्पीड नहीं है ना स्टिल वाटर में, लेट्स से कि उसकी स्विम करने की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, दैट इज वीएस। यस सर। ऑब्वियसली जब वो करंट के साथ जाएगा तो करंट उसको रीइंफोर्स कर रहा है ना बेटा। हां जी सर, यस। तो वो जो वेलोसिटी होगी वो करंट की रीइंफोर्सिंग वेलोसिटी के साथ साथ उसकी अपनी वेलोसिटी में एड अप होकर मिलेगी, तो दैट इज 16। ओके सर। जब वो अपोजिट जाने की कोशिश करेगा तो उसको एक ऑपोजिशन ऑफर हो रहा है, अब वो ऑपोजिशन को फोर्सफुली ओवरकम करके आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ऑपोजिशन उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर देगा। हाँ जी सर। तो हमने यहाँ से यही निकाला ना कि रिवर की वेलोसिटी हो सकती है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो स्विमर की स्टिल वाटर में वेलोसिटी होगी वो 12 किलोमीटर पर आवर होगी। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सके करें। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन एंड थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द ग्राफ्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है? ओके सर। अगली वाली क्लास के बाद जो भी कुछ हम अगली क्लास में करेंगे, पहले हम ग्राफ्स करेंगे, उसके बाद बेटा हमें करनी है फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने क्लास 9th में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, 11th में मैं आपको यहां पर 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन कराऊंगा, एक इक्वेशन ऑफ मोशन और करवाएंगे, ठीक है? उन 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद सिर्फ प्रोजेक्टाइल रह जाएगा और आपका काइनेमेटिक्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो विद इन नेक्स्ट 3 क्लासेस आपका काइनेमेटिक्स फिनिश हो जाएगा। सो डोंट, जिन लोगों ने क्लास अटेंड आज नहीं करी है बेटा, जो लोग वीडियो देखेंगे, मैं बेटा बार बार कह रहा हूं अब क्लासेस मिस मत करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब होने वाले हैं। देखो एट टाइम्स ऐसा होता है नेटवर्क नहीं है, ठीक है, मेरी साइड पे भी होता है, ठीक है, एंड इवन वी आर बिजी इन कैलकुलेटिंग द क्लास 12th रिजल्ट आल्सो, ठीक है? सो जिस किसी दिन अगर मैं मान लो क्लास नहीं भी ले पाऊँ तो वो एक कोई एक आध दिन ऐसा हो सकता है, बट ऑल दो I got my second vaccination today,
बट अभी इसके बाद फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद भी मेरे को 4-5 दिन फीवर रहा था, बट नोबडी नोज हाउ बॉडी रिस्पॉन्ड्स दिस टाइम. ठीक है, तो वो एक अलग इशू है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू टेक योर क्लास रेगुलर ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो आप लोग प्लीज जिस किसी भी दिन लिंक आता है उस दिन क्लास जरूर और जरूर अटेंड करें. इफ देर इज एनी प्रॉब्लम और वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो उस केस में मैं नहीं कहता कि कोई जबरदस्ती है, बट स्टिल वीडियो जरूर देखें. ठीक है, ओके सर, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं. है? बाकी नेक्स्ट टाइम वेलोसिटी टाइम का. हाँ बेटा बोलो. सर हमारे स्कूल के अंदर वेक्टर शुरू कराया था सर ने, सर उसके अंदर सर ने वेक्टर्स और डिटेल में कराया था, जैसे आई कैप जे कैप के साथ मैग्नीट्यूड पूरा आगे तक कराया था क्वेश्चंस. तो हमने भी काफी डिटेल में कराया बेटा वेक्टर. यस सर. तो आप बता देना जहां आपको डिफरेंस लगे वहां मुझे बता देना. ओके सर. जो भी कोई आपके डाउट्स होते हैं डोंट फील शाय, आप उसको व्हाट्सएप कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वो जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही आपको क्लियर कर दूं. ओके सर. अगर उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कोई सेशन भी रखना पड़ेगा तो नॉट एन इशू. यस सर. हां सर, मुझे ना एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में शॉर्ट रिवीजन चाहिए होगी, मैंने थोड़ा सा कांसेप्ट भूल सा रहा है. कोई बात नहीं, जिस दिन बेटा हम लोग वो करेंगे ना अभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो उस दिन वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो एक रिवीजन हो जाएंगे उसे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ठीक है, और आपने वर्कशीट भी दी थी उसमें थे बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन. हां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सर, डिफरेंशिएशन फॉर दिस ओरी डू ओवर हैव इंटीग्रेशन में मेरे से मेरा. कोई बात नहीं बेटा, आप क्वेश्चन नंबर्स मेरे को दे देना, मैं वो सॉल्व करा देता हूं. जैसे कि आपने अभी स्ट्रीम का हमें कराया है तो इसमें हम डायरेक्शन नहीं लिखेंगे ऊपर वेलोसिटी के, डायरेक्शन का सिंबल नहीं बनाएंगे. हमने मैग्नीट्यूड की बात की ना कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 16 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर नॉट राइटिंग वेक्टर्स हियर. ओके सर, तो उसमें डायरेक्शन निकालने की नीड नहीं है. ना 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 ना, डायरेक्शन निकालने की ऑब्वियसली उसने डायरेक्शन दे दी कि एक बार तो बॉडी डाउन द स्ट्रीम जा ही रही है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर जा ही रही है, और दूसरी बार क्योंकि अपोजिट जा रही है तो अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रही है. डायरेक्शन इज गिवन देयर. ओके सर, थैंक यू सर, ये पूछा था. ठीक है बेटा.